और आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर दे आर फ्लोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। हमें बताना है कि जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने के लिए, उसका यूज़ नहीं करके हम ऐसे कैसे मतलब एक ऐसे ही मेथड यूज़ करना है, और हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम पहले ध्यान देखते हैं, हमने देखा है जैसे हमारे जो रेशनल नंबर होता है वो पी क्यू के फॉर्म में होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो क्यू के फैक्टर हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस रखेंगे क्यू के फैक्टर्स पर, ठीक है। अगर हमारे क्यू के फैक्टर किस में आए, टू और फाइव की फॉर्म में आए, टू की पावर एन जैसे, या फाइव की पावर एन आए, या खाली टू की पावर एन में आए, या फाइव की पावर एन में आए, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, और जो इनके से अदर होंगे वो हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13/3125, ठीक है। 13 हमारा क्या है, पी हो गया, ये हमारा क्या है, क्यू। तो क्यू हमारा किस में है, ये हो गया हमारे फाइव की और पावर, ये हमारा क्यू किस क्या शो कर रहा है कि एक फैक्टर शो कर रहा है, फाइव के फैक्टर शो कर रहा है, ठीक है। ये फाइव के फैक्टर शो कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और इधर लिखेंगे क्यू हैव प्राइम फैक्टर ऑफ फाइव, ठीक है। किसके प्राइम फैक्टर क्या है, फाइव, ठीक है। तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 17/8, तो ये भी क्या शो कर रहा है, 17, 8 क्या है हमारा 2 की पावर 3, तो ये भी क्या होगा 2 की पावर n में हो गया, तो ये भी क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। रीज़न कुछ नहीं लिखना, बस सीधा लिख देना आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 64/455, ठीक है। तो इसे कैसे लिख देंगे, 64, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे, 5 × 13 × 7, तो ये क्या है अदर देन 5 और 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा 5/6100, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, तो ये क्या है हमारा 6, 2 की पावर में और 5 ही, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। सीधा हमें क्यू पे ध्यान देना है कि क्यू हमारा किस फॉर्म में है, उसके फैक्टर, ठीक है। फिफ्थ है हमारा 29/343, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29/7 की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, ठीक है। सिक्स है हमारा 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में शो कर रहा है, ठीक है। मतलब 2 और 5 के फैक्टर में शो कर रहा है क्यू हमारा, तो क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब सेवन्थ हमारा है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ 7 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको बस 2 और 5 पे ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है। आपका 8th क्वेश्चन है,
ठीक है, 6/15, तो 6 के तो 3 × 5 हो गया, तो ये क्या 3 आ गया, तो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटिंग, ठीक है, हमारा 9th क्वेश्चन है 35/50, तो ये क्या है हमारा 50, तो ये क्या होगा 35, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रिपीटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग। ठीक है, और हमारा लास्ट है 10, 77/110, ठीक है, तो ये फैक्टर क्या होंगे, 77 फैक्टर हो जाएंगे हमारे 7 × 3 × 2 × 5, तो ये क्या आ रहा है, 3 और 7 के फैक्टर शो कर रहा है, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।